रोंगटे खड़े कर देने वाले कुछ गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाएं। फैक्ट नंबर वन, क्या आपको पता है आप कभी भूल से भी खुद को किसी अंधेरे कमरे में 10 मिनट से ज्यादा के लिए आईने में मत देखना, वरना आपको भूत दिखेगा। पता है ये सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन इस चीज को हम कहते हैं ट्रॉक्सलर इफेक्ट। इस इफेक्ट के मुताबिक जब भी कोई इंसान किसी अंधेरे कमरे में जहाँ पर थोड़ी सी लाइट हो, जैसे कि लैंप या फिर नाइट बल्ब वगैरह जल रहा होता है, खुद को 10 मिनट से ज़्यादा आईने में देखता है, तब उसका दिमाग बोर्ड हो जाता है और उसे मज़ा दिलाने के लिए उसी के चेहरे के अलग अलग रूप बनाकर उसे दिखाने लगता है, जिसे एक आम इंसान भूत समझ लेता है, जो कि एक टॉक्सलर इफेक्ट होता है। फैक्ट नंबर टू, क्या आपको पता है जेनी हाइनेस नाम की एक ऐसी औरत है जिसके 2500 पर्सनैलिटीज यानी कि रूप हैं। जब जेनी बच्ची थी तब उसके पिता उसे टॉर्चर करते थे और उसके साथ गलत हरकतें भी की थी, और इस दर्दनाक दर्द से बचाने के लिए जेनी के दिमाग ने जेनी को मल्टीपल पर्सनैलिटी नाम के डिसऑर्डर दे दी, ताकि वो अपने दर्द को कुछ देर के लिए भुला सके। फैक्ट नंबर थ्री, क्या आपको पता है अगर आप पढ़ाई करते समय गाना सुनते हो तब आप उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी याद कर पाओगे, क्योंकि गाना सुनते समय हमारे दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो कि हमें फोकस बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और पढ़ाई में हमें सिर्फ फोकस की ही ज़रूरत होती है। फैक्ट नंबर फोर, क्या आपको पता है कि ये कहावत बिल्कुल सही है कि जो डर गया समझो कि वो मर गया, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसा पाया है कि जब भी कोई इंसान अचानक से बहुत ही ज़्यादा डर जाता है तब उसके शरीर में एड्रेनलिन की मात्रा ज़्यादा बनने लगती है और ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, जिससे कि एक इंसान के दिल का धड़कन जो है वो रुक जाता है और एक इंसान की मौत हो जाती है। फैक्ट नंबर फाइव, क्या आपको पता है जब दो प्यार करने वाले लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तब उनके दिल के जो धड़कन यानी कि हार्ट बीट होती है वो सिंक्रोनाइज कर जाती है, यानी कि आपस में मिल जाते हैं और बिल्कुल सेम स्पीड से धड़कते हैं। फैक्ट नंबर सिक्स, क्या आपको पता है जो आईफोन यूज़र होते हैं वो औरों के मुकाबले खुद को ज़्यादा बेहतर मानने लगते हैं, उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनका जो आईफोन है वो उनके स्टेटस और पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ना कि उनकी खुद की आइडेंटिटी। फैक्ट नंबर सेवन, क्या आपको पता है लॉक्ड इन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान कोमा जैसे स्टेट में चला जाता है, लेकिन वो सब कुछ महसूस कर रहा होता है, सुन भी रहा होता है और देख भी रहा होता है। ऐसा तब होता है जब एक इंसान सोने और जागने के बीच में फंस जाता है। तो अगर अभी तक से आपने इस वीडियो के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन सारे एपिसोड्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर नीचे बने बेल आइकन को दबाना मत भूलना।